आज अमृत वेली का क्लास है 11:05:68। वो शिव के पुजारी है वो हाथ उठा दे। इस जन्म में क्या अनुभव करते हैं? जो शिव की पूजा करते थे तो कब ऐसा दिल में आता था कि शिवलिंग को लाकर भाकी पहने? प्यार किया जाता है ना, मालूम है। प्यार किया जाता है, उसमें क्या होता है कि हम जाकर शिव बाबा को प्यार करें? ऐसी कशिश होती है, प्यार कैसे करें? प्यार तो तभी ही होता है जब कोई शरीर में आवे। भक्ति मार्ग में लिंग बनाते हैं तो जरूर लिंग काहे की यादगार है? जरूर लिंग साकार की यादगार है। और उसमें जो बिंदु है वो निराकार बाप की यादगार है। प्यार शरीर के साथ होता है, नहीं तो प्यार कैसे कर सकते हो? शरीर होता है तो कह सकते हैं ओ बाबा, नहीं तो सिर्फ बिंदु है तो क्या कहेंगे? बाबा कहेंगे या बाप कहेंगे? बाप तो बच्चों को कहेंगे वो बेटे। गीत भी है तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सभी कुछ लूं। अभी जानते हो कि बाबा से हम ज्ञान लेते हैं, तो जरूर साकार तन में आते होंगे, तब तो कहेंगे तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बैठूं। कितनी निश्चय बुद्धि चाहिए कि बाबा को याद करें। याद बिगर विकर्म विनाश नहीं हो सकते। बाबा बच्चों को कहते हैं, जो बच्चे सुनते हैं तो वो कहते हैं हाँ बाबा की याद के बगैर विकर्म विनाश नहीं हो सकते। जिसकी याद से पाप कर्म भस्म होते हैं वो ही पतित पावन है। भस्म कैसे होते हैं? किसकी याद से होते हैं? बाप जो सदैव निष्पाप है, पाप
पाप और पुण्य दोनों से परे है। जो बच्चे बच्चे कहते रहते हैं बच्चे कहते हैं बाबा आप कितनी दूर से आते हो, बच्चे क्या साधु के पास आते हैं या सन्यासी के पास आते हैं, किसके पास आए हो? जो मुझे जिस रूप में याद करते हैं तो मैं भी उनको याद करता हूँ। याद से पावन बनते जाते हैं और जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ वैसे बच्चे भी नंबरवार बनते जाते हैं। कोई तो बड़े बड़े सागर बनते हैं, कितने सागर हैं? सात सागर गाए हुए हैं, नहीं तो सागर तो एक ही है, फिर सात क्यों गाए हुए हैं? बच्चों की यादगार है वो सागर, भला कौन है? और वो सागर कौन है जो सृष्टि के आदि मध्यंत की नाले सुनाते हैं? तो मूल बात है उनको याद करने की। इसको योग कहा जाता है। अभी बाप स्वयं आत्माओं को कहते हैं कि मुझे बाप को याद करो, जो तमो प्रधान बन पड़े हैं वो सतो प्रधान भी बनेंगे। ये ज्ञान है कि हम बाबा से राजभाग पावेंगे और हम बाबा के साथ घर जावेंगे। पढ़ाई पढ़ाते हैं, सभी को एक जैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई के सिवाय और कोई बातें तो याद नहीं करनी चाहिए। वहां जब बैठते हो तो थक जाते हो, जब बैठ बैठ कर थक जाते हैं तो फिर बाप के पास यहाँ आते हो तो चक्कर लगाते हो, चक्कर लगा दे भी बाप को याद जरूर करना है। उठते हैं बैठते हैं वो क्या कहते हैं? कहते बाप को याद करो तो फिक्र विनाश हो, अभ्यास करो तो सभी के दुखों का बेड़ा पार हो जाएगा। और अभी की बात नहीं है, कल्प कल्प तुम्हारा बेड़ा पार होता आया है। तो बच्चों को बेड़ा पार करने वाले को भूलना नहीं चाहिए। बेड़ा किसको कहा जाता है? शरीर। ऐसे बच्चे कितने होंगे जिनकी शरीर रूपी नैया या शरीर रूपी बेड़ा पार जावेगा?
जरूर अभूल बच्चे होंगे, बाप ऐसे तो नहीं कहते हैं कि याद करके याद करते एक जगह बैठ जाओ, कहते हैं उठते बैठते याद करो। अभी तुम कहाँ आते हो, याद करते हो या चिट्ठी लिखते हो, शिव बाबा के पास जाते हैं। पढ़ाई पढ़ने के लिए जाते हैं, इसमें ये नोट शायद लेने की भी दरकार नहीं है। मनुष्य तो कितना लिखते हैं, अभी कलम पेंसिल तो जन्म जन्मांतर तुमने उठाई है, अभी इसकी जरूरत है क्या? 84 जन्म के राज को बाप से समझ लिया है, समझ करके बाप से मिले हो, बाप को जान लिया तो अभी लिखने का रहा ही क्या है? त्रेसठ जन्म बहुत लिखा, बहुत पढ़ा, अभी तो सभी भूल जाने का है। यहाँ इस दुनिया में याद करने को रखा क्या है? तो शांति धाम और सुख धाम को याद करो, यहाँ क्या रखा है? दूसरी सभी बातें जो जीवन में की हैं वो सभी भूल जाओ। इस देह को भी भूल जाओ, देह के संबंधियों को भी भूल जाओ, देह सहित देह के सभी पदार्थ भूल करके बस एक बाप के साथ घर जाना। ये याद रखना। अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग। बारह पाँच 68 का अमृत वेले का 5 बजे का क्लास। शास्त्रों में लिखा है बाप आते हैं तो आकर के सभी के पापों को हप कर लेते हैं, तुम शिव बाबा की याद करके अपने पाप को हप करते हो। बाकी ऐसे भी नहीं है कि बाप के आने से पाप सब के कट जावेंगे, जो याद करेंगे उनके पाप कटेंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। तो बाप को याद करना है, ऐसे नहीं कि बाप को याद करने से तुम बच्चों के पाप भस्म हो जाते हैं। हाँ अभी जो एक्यूरेट याद करते हैं उनके पाप भस्म होते हैं, ऐसे भी नहीं इस समय बाप सिखलाते हैं। लेकिन इसमें भी जितना जितना सचमुच याद है तो पाप भस्म होते हैं, साधारण याद से पाप भस्म नहीं होते। योगाग्नि तीखी चाहिए, यहाँ तो बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, ये शरीर ये पुरानी दुनिया छोड़ करके बाप के पास जा रहे हैं। बच्चे अपने घर में भी पुरुषार्थ करते रहते हैं कि वापस जावे,
परंतु अभी कोई जा देंगे नहीं। अगर कोई शरीर छोड़े तो वापस नहीं जावेगा, फिर इस दुनिया में वापस आ जाएंगे। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। अगला अमृत वेले का क्लास है 28/5/68 को। बच्चे, ये याद की यात्रा है, इस यात्रा से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाते हैं और हर एक के सभी दुख दूर हो जाने हैं। और बाप को याद करने से अगर सभी दुख दूर हो जाते हैं तो फिर बाप को याद क्यों नहीं करते हो? हर एक को आपे ही अपनी दुख दूर करनी है। बाप तो सिर्फ पढ़ाई का इशारा देते हैं, युक्ति बतलाते हैं। और इस युक्ति को अपनाने में कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई से आशीर्वाद आदि मांगने की भी दरकार नहीं है, कोई प्रकार की कृपा मांगने की दरकार नहीं है। क्योंकि ऐसा बेहद का बाप आया हुआ है तो भला मांगेंगे किससे? स्वीट बाबा के स्वीट चिल्ड्रन सदैव स्वीट ही रहते हैं। वो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देते। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, मुख से ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो किसी को दुख हो जाए। और बच्चों को मीठा बनना जरूर है और साथ में चलना भी जरूर है, तो क्यों गुनगुन होकर के चले? फूल जैसे हल्के होकर के चले। अभी मीठे बनते जाओ, बीती बातों को चिताओ नहीं और सभी के साथ प्यार से चलो। क्योंकि बाप तो हमारी सभी कामनाएं पूरी करते हैं, फिर पाई पैसे की कामनाएं क्यों करना चाहिए? ये खिटखिट क्यों है? आपस में भी खिटखिट होती है जबकि बाप को भूल जाते हैं। अभी बाप सभी कामनाएं पूरी करते हैं, फिर हम क्यों किसी को तंग करें अथवा दुख दें? किसी को कोई बात हो तो बैठ कर याद करो तो एकदम शीतल हो जाएंगे। जानते हो कि शीतल बनाने वाला हम बच्चों का बाप अभी हमारा ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके आया हुआ है। और ऐसा सर्वेंट है जो कल्प में एक बार ही सर्विस करते हैं। जानते हो बाप आए हुए हैं सभी के दुख दूर करने। तुम सुखधाम में जाते हो और बाकी सभी शांति धाम में रहते हैं।
कितने जाते हैं सुखदाम? 9 लाख। 9 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख। तुम जाते हो सुखदाम में और बाकी सभी शांति धाम में रहते हैं। कितने जन्म शांति धाम में रहते होंगे और तुम कितने जन्म सुखधाम में रहते हो? तुम 84 जन्म सुखधाम में रहते हो और उनके नंबर वार जन्म कम हो जाते हैं, तो सुखधाम का सुख भी कम हो जाता है। तुम सुख स्थापन करते हो तो शांति भी स्थापन करते हो। बाप समय भी पूरा बताते हैं, तो तुम बच्चों को इतनी मालूमात होने के बाद आंतरिक सुख होना चाहिए। बाप को याद किया और आंतरिक सुख हो जावे, जो कि रोमांच खड़े हो जावे। याद करते करते नैनों से मोती आ जावे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बाप मिला है। आकर के सुखदान में भेज देते हैं तो तुम्हारे दिल में सुख होता है। अभी हम चल रहे हैं बाप के वतन। ये तो रावण का वतन है, ये कोई तुम्हारा वतन नहीं है। तुम तो पराए राज्य में बैठे हुए हो। अभी चलना है अपनी राजधानी में, लेकिन अपनी याद की यात्रा के बल से जावेंगे, बाकी और तो कोई तकलीफ नहीं देते। अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो बाप पढ़ाते हैं, और पढ़ाते वो हैं जिसको तुमने कभी नहीं सुना है, क्योंकि ये नया बाप है ना। आगे जन्मों में तो कृष्ण को समझते थे कि भगवान है, अभी तो बुद्धि में बैठ गया है कृष्ण भगवान है नहीं, तो ये नई बात हुई ना। बाप भी नया है, पढ़ाई भी नहीं है, नई नई बातें पढ़ाते हैं, और बहुत सहज पढ़ाई है। तमो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनते हो। गंगा स्नान भी तुमने बहुत किया, परंतु उससे हुआ तो कुछ भी नहीं। नदियों में स्नान करते करते और ही मैले हो गए। कहते भी है पतित पावन एक ही परमपिता परमात्मा, फिर भी गंगा आदि नदियों के पास जाते रहते हैं। ये समझते नहीं है कि ये कोई नदियां पावन नहीं बना सकती है। जन्म जन्मांतर स्नान करते आए नदियों में, फिर भी जन्म तो लेते हैं ना। बाकी हाँ, साधु सन्यासी पवित्र बनते हैं, इसलिए उनका मान हो जाता है। पवित्रता को मान देना पड़ता है, उनके फॉलोअर्स बनते हैं, परंतु ये तो रांग है।
अभी ये भक्ति मार्ग की सब बातें भूल जाएंगी। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो हम तो मत ऐसो गति हो जा रही है, हम तो मत ऐसो गति कैसे हो जाएगी, जैसे को याद करेंगे वैसे बन जाएंगे। किसको याद करेंगे? बिंदु को याद करेंगे तो बिंदु बन जाएंगे। बिंदु बनना है क्या? विधर्मी आत्माएं जो अपने धर्म की पक्की होती है वो बिंदु को याद करती है तो बिंदु बन करके परमधाम में बैठती है, सुखधाम में तो आती नहीं। तो कैसे को याद करना है जो हम सुखधाम में भी जावे और शांति भी पावे? जरूर निराकार बाप ज्योति बिंदु जो ऐसे साकार में आता है जो पूरे 5000 वर्ष का चक्कर काटता है, ऑलराउंड पार्टधारी है, सुख का भी आगार है। तो ऐसे निराकार को उस साकार में याद करेंगे तो हम भी सुख के आगार बनेंगे। नहीं तो आत्मा क्या चाहती है? आत्मा सदैव शांति धाम में रहना चाहती है क्या? आत्मा तो सुख चाहती है। सब कोई चाहता है हमें दुख न मिले सुख मिले। तो लंबे टाइम का सुख लेना है तो जरूर ऐसे को याद करना पड़े जो बहुत जास्ती याद में रहता हो। शिव तो याद स्वरूप है ही, वो तो है ही बिंदी रूप, परंतु हमें तो प्रैक्टिकल भी बनना है ना। प्रैक्टिकल हमें सुख भोगना है, शांति भोगनी है। तो जो जितनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे वो उतना ही सुख शांति भोगेंगे। आत्मिक स्थिति में रहने वाले को बाप की याद बहुत आवेगी। अभी बाप कहते हैं, ये भक्ति मार्ग की बातें सब भूल जाओ, क्योंकि अभी नाटक पूरा होता है, वापस जाना है। जब वापस जाना है तो सभी का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। जिन जिन आत्माओं के साथ जो दो हिसाब किताब है वो अभी इस लास्ट जन्म में पूरा करना है। घबराना नहीं है, पता नहीं हमारा इनके साथ कब तक हिसाब किताब है। उतना ही हिसाब किताब होगा जितना हमने बांधा है। हमारे किए हुए कर्म ही हमको सामने रिटर्न होकर आते हैं। तो हिसाब किताब चुकतू तो करना ही है। उसके लिए याद की यात्रा है। नहीं याद करेंगे तो अनेक प्रकार की सजाएं भी है। भक्ति मार्ग में काशी करवट खाते हैं, तो भक्ति मार्ग में भी इतना प्रभाव है कि पूर्व जन्म के सारे पाप कट जाते हैं। क्योंकि काशी करवट खाने वाले स्वेच्छा से खाते हैं या जबरदस्ती उनको पकड़ के काशी करवट खिलाई जाती है, है? स्वेच्छा से खाते हैं। तो ऐसे ही बाप की याद में रहना एक्यूरेट मना काशी करवट खाना, परंतु वो भक्ति मार्ग की काशी करवट में तो घाटा है। पूर्व जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, जन्म तो फिर भी लेना पड़ता है। कौन सी दुनिया में? इस दुख की दुनिया में ही जन्म लेना पड़ता है।
और आदि बाप ने जो सच्चा काशी करवट खाने का रास्ता बताया है, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो उसमें दुख की दुनिया में आकर जन्म नहीं लेंगे। और ऐसी दुनिया में जन्म लेंगे जहाँ पाप नहीं होंगे, पाप भी नहीं होंगे तो पुण्य भी नहीं होंगे, पुण्य भी नहीं होगा, परंतु सुख ही सुख होगा, दुख दुख नहीं होगा। जो याद नहीं करेंगे तो सजाएं खावेंगे, सजाओं का साक्षात्कार कराते जावेंगे, क्योंकि साक्षात्कार कराए बगैर, पापों को साक्षात कराए बगैर सजा कैसे देंगे। उस सजाओं का हिसाब किताब भी ऐसे चलता है, ऐसा महसूस होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा खा रहे हो। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप कहते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो जो पास विदानर होकर के दिखाओ, जो पास विदानर होंगे रिंचक मात्र भी इस धर्मराज की सजाएं नहीं खावेंगे, और जन्म जन्मांतर बाप के साथ ही रहेंगे, कितनी बड़ी प्राप्ति है। तुम बच्चे विश्व में जो पीस स्थापन करते हो उनकी ये प्राइज है क्या? सजा नहीं खाएंगे, सजाएं भी नहीं खाएंगे, और जन्म जनांतर ऊंच पद भी पावेंगे, और बाप के साथ ही बन करके रहेंगे। तुम ये प्राप्ति पाते हो, फिर जो जितनी मेहनत करेंगे, पास विदानर नहीं होंगे, कम पास होंगे तो उतनी प्राप्ति करेंगे। बच्चों से पूछते हैं तो सभी बच्चे कहते हैं बाबा हम तो नर से नारायण बनेंगे, क्या हम तो आठ में भी दूसरे तीसरे चौथे नंबर में नहीं आवेंगे, क्या बनेंगे? डायरेक्ट नर से नारायण पहला नंबर बनेंगे। कथा तो एक सत्यनारायण की गाई हुई है ना। बाप कहते हैं ठीक है बनना है तो पांच विकारों का दान दे दो, पांच विकारों का दान देंगे तो ग्रहण से छूट जाएंगे, नहीं तो माया बार बार ग्रस्ती रहेगी। ड्रामा अनुसार तुमको छूटना तो है ही। अनेक बार भारत पर और खास दुनिया के ऊपर तुम्हारी खास दुनिया बनती है ना, छोटी दुनिया बनेगी या बड़ी दुनिया बनेगी? पहले पहले छोटी दुनिया बनेगी, छोटी दुनिया बनेगी। तो खास तुम्हारी छोटी सी दुनिया पर और आम सारी दुनिया के ऊपर राहु की दशा बैठती है। फिर तुम्हारे ऊपर वृक्षपति की दशा बैठती है, तुम सुख पाते हो, इतना सुख पाते हो जो और कोई धर्म वाला इतना सुख नहीं पा सकता। तुम तीन बटे चार हिस्सा सुखी होते हो और
धर्म वालों का आधा सुख और आधा दुख है। तुम्हारा धर्म है ही सुख देने वाला। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। अगला रात्रि क्लास है। नौ छः अड़सठ का। तुम बच्चे सारे विश्व के श्रृंगार हो, सिर्फ भारत के श्रृंगार नहीं हो, सतयुग में ऐसे नहीं कह सकते कि सतयुग के देवताएं सारे विश्व के श्रृंगार हैं। वहां सारा विश्व होता ही नहीं। अभी तो सारा विश्व है। ये अभी संगम युग में कह सकते हैं कि तुम सारे विश्व के श्रृंगार हो। जो भी बच्चे हैं सभी विश्व को श्रृंगार कराने वाले भी हैं। जैसे बाप की महिमा परम अपार है, वैसे तुम बच्चे जो विश्व का श्रृंगार कराते हो, तुम्हारी भी महिमा। मुख्य श्रृंगार तुम बच्चे ही हो, क्योंकि देवताओं को भी इतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी तुम बच्चों को रहना चाहिए। अभी उतनी खुशी नहीं होती है, अंत में तुम बच्चों को इतनी खुशी रहेगी जितनी देवताओं को भी नहीं होगी। अभी अंदर में आना चाहिए कि हम अपने मोस्ट बिलवड बाप के साथ हैं। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। और साधारण बाप टीचर सदगुरु नहीं है, सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है। तो सृष्टि में तुम्हारे जैसा पदमा पदम भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम सारे विश्व का कल्याण करते हो। प्रभात फेरी आदि निकालते हो, वो भी विश्व के कल्याण के लिए, क्योंकि तुम सारे विश्व के कल्याणकारी बच्चे हो। और ये नशा भी उन बच्चों को चढ़ता है जो मेहनत करते हैं विश्व कल्याण के लिए। ऐसे नशे के कारण ही मेहनत करते हैं। स्वार्थी होंगे तो ऐसी मेहनत कर न सके। उस दुनिया में देश की सेवा करने वाले सोशल वर्कर्स तो बहुत हैं, परंतु तुम तो हो स्पिरिचुअल फादर के बच्चे। तुम्हारा बाप ही विश्व सेवाधारी है। तो तुम्हारी महिमा अपरम अपार है। तुम सभी को कह सकते हो कि हम ऐसे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं, खास भारत की और आम सारी दुनिया की सेवा कर रहे हैं। उन सोशल वर्कर्स की जिस्मानी सेवा में और तुम्हारी रूहानी सेवा में रात दिन का फर्क है।
हम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। रूही तमो प्रधान बनती है, उनको सतो प्रधान बनाना है। बाप को याद करने से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। पहले पहले यह सबक है। ये सबक सीखने के लिए, पक्का करने के लिए हम बाप का पैगाम भी देते हैं। जितना दूसरों को पैगाम देते जावेंगे उतना अपने लिए पक्का होता जाएगा। अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, पहले पहले सतो प्रधान दुनिया थी, अभी पुरानी है। अभी फिर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तो बाप को याद करने से ही शक्ति मिलेगी। जिस शक्ति से हम सतो प्रधान बन जाते हैं, सभी चित्रों का तंत्र है ये है। और सभी बच्चों को बाप कहते हैं, अपन को आत्मा समझो तो भाई भाई की दृष्टि पक्की हो जाएगी। सतयुग में तुम सब आपस में भाई भाई थे। प्रैक्टिकल में कोई को देह भान नहीं था। सतयुग में सतो प्रधान थे, कलयुग में तमो प्रधान बने। अभी बाप कहते हैं, अभी फिर सतो प्रधान बनने के लिए मामे कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जावेंगे। और ये सतो प्रधान बनने के लिए जो तरकीब सिखाते हैं वो बहुत सहज है। बाप का वर्षा भी संगम युग में बच्चों को मिल रहा है। ये जन्म जन्मांतर का वर्षा है। बेहद के बाप को जान लेंगे तो तुम फिर खुशी से सुनते रहेंगे। तुमको बाप की बातें सुनने में खुशी आती रहेगी। ऐसी खुशी नहीं आवेगी तो समझो हमने बाप को पूरा जाना नहीं है। नहीं जानेंगे तो अपनी ट्रां ट्रां ज्यादा करेंगे। परंतु ये भी ड्रामा में नूद है। तुम जो सर्विस करके आए, कल पहले जितनी सर्विस की है उतना ही करेंगे। ड्रामा चलता रहता है। निश्चय तो है कि दुनिया तो बदली होनी ही है। तो दिलगीर कभी नहीं होना चाहिए। किसी को समझाते हो कोई समझे वा ना समझे, दिलगीर नहीं होना चाहिए। कोई तुम्हारे से लड़ पड़ते हैं, बकवाद भी करते हैं, तो कभी भी दिलगीर नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए हमारे पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब है। हमने भी इनकी सच्ची बातों को नहीं सुना होगा, ठुकराया होगा, बकवास की होगी, लड़ाई की होगी फालतू, उसका रिटर्न हमको मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। और
और एक छोटा सा रात्रि क्लास है, बाप कल्याणकारी है और तुम बाप के बच्चे हो, तो बच्चे कब कहे जावेंगे? जब बच्चे भी कल्याणकारी, सबके कल्याणकारी हो। शिव के बच्चे हैं तो शैव संप्रदाय हो गए। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, कभी भी किसी का कल्याणकारी नहीं है, तो शैव संप्रदाय कब कहे जावेंगे? शिव के बच्चे शैव संप्रदाय तब ही कहे जावेंगे जब सबका कल्याणकार कल्याण करने वाले हो, मनसा से भी, वाचा से भी, कर्मेंद्रियों से भी किसी का कभी भी कोई अकल्याण न करे, बहुत कल्याणकारी बने। कल्याण करना ये कोई कम बात थोड़ी है, एकदम भ्रष्टाचारी नरकवासी से शिष्टाचारी स्वर्गवासी बनाए देते हैं। कोई ने प्रदर्शनी का समाचार सुनाया, सूरत में प्रदर्शनी होती है, बहुत अच्छा है। बाप तो कहते हैं अपनी सूरत से अपनी सीरत का बाप समान साक्षात्कार कराने वाले बनो, ऐसा घेराव डालो, फिर तुमको आप ही निमंत्रण मिलते जावेंगे और तुम सबको रास्ता बताती जावेंगे। आखिरी ऐसा टाइम भी आवेगा, तुम डिटेल में कोई को समझावेंगे नहीं, सिर्फ आखिरी ये महामंत्र देते रहेंगे, बाप को याद करो, इशारा देंगे बाप की ओर और वो इशारे से ही समझ जावेंगे। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, तो तुम भी सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात ये है, एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आना चाहिए, और बगैर याद की यात्रा के कोई सतो प्रधान पवित्र बन भी नहीं सकता। ये याद ही है बाप से मिलने का रास्ता, बाप आते ही हैं बच्चों को रास्ता बताने के लिए। दुनिया में तो गुरु विद्वान पंडित आचार्यों ने झूठी राह दिखाई, सच्ची राह तो बाप ही दिखलाते हैं। कहते हैं बच्चों को कि मुझे बाप को याद करना है, ऐसा करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, बनते जावेंगे। जो विशाल बुद्धि होगा तो एक सेकंड में बाप का परिचय और वर्षा पा लेगा। ऐसे नहीं कि सभी को बैठ करके 7 दिन का कोर्स देना है, को परखना होता है। कोई श्रूट बुद्धि होते हैं, थोड़े में ही उठाए लेते हैं, तो बोलो एक सेकंड की बात है, बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई पूछते हैं
तुम्हारी संस्था के कितने मेंबर्स हैं? बोलना चाहिए। हमारी संस्था के अनगिनत मेंबर्स हैं, ढेर के ढेर प्रजा बनती रहती है। ये सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, सूर्यवंशी भी बनेंगे, चंद्रवंशी भी बनेंगे। सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की जोड़ी है, बाकी धारणा पर चलने वाले अभी 5,000 कह सकते हैं। जो भी आवे उनको मैसेज देना है। तुम मैसेंजर हो ना, बाप का मैसेज सबको देना है, रास्ता बताना है, बोलना है बाप एक है, सर्वव्यापी नहीं है, और बाप के बच्चे सभी हैं। जो बाप के बच्चे थे वो ही श्रेष्ठाचारी देवता बनते हैं, अभी वो भी अपवित्र बने हैं, फिर उनको पवित्र बनाने के लिए बाप आते हैं। अभी तुम्हारे पास आए हैं, पास आते हैं तब तो रास्ता बताते हैं ना। पहले तो ये बातें नहीं बताते थे। बाकी 5-7 वर्ष हैं, तब तक ये बातें चलती रहेंगी, बाद में विनाश तो होना ही है। कौन सी बातें? जो बेसिक नॉलेज की बातें हैं उनके लिए बताया कि 5-7 वर्ष संक्षिप्त तक ये बेसिक नॉलेज की साधारण नॉलेज चलती रहेगी, बाद में ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश शुरू हो जाएगा। अभी तुमने तो रचयिता बाप को भी समझा है, और उनकी रचना को भी समझा है। बाप और उनकी रचना का ज्ञान रचयिता बाप के सिवाय कोई नहीं समझा सकता। रचयिता बाप और रचना दोनों साकार होने चाहिए या निराकार? दोनों ही साकार हैं। साकार को साकार की पहचान मिलती है। रचयिता बाप बल निराकार है, परंतु साकार में आता है तब रचयिता कहा जाता है। अभी तुमको निमंत्रण मिलते रहते हैं, अभी तक जो भी पार्ट चला है ड्रामा में वो एक्यूरेट चला है। कभी भी ख्याल में नहीं आना चाहिए कि हमने इतना समझाया, इतनी मेहनत की, निकला कुछ भी नहीं। नहीं, इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुख्य बात है बाप को याद कराने पर जोर देना है।
कुछ भी बाप को याद करते रहो। इन बातों में मुझे ना नहीं है, लाजमी शिव बाबा को याद करो, मुख्य यही बात है। जिसकी हम पूजा करते आए उनको याद करें। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। ओम शांति।